24 अगस्त को पूर्वी जैंटिया हिल्स जिले की नारपु इलाका में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान तनाव अराजकता में बदल गया। स्थिति ने चिंताजनक मोड़ ले लिया, जिसने पुलिस को व्यवस्था बहाल करने के लिए आंसू गैस के इस्तेमाल के साथ हस्तक्षेप करना पड़ा। ये घटना थम्सखाई गांव में सीमेंट क्लिंकराइजेशन संयंत्र के विस्तार के लिए मेघालय सीमेंट लिमिटेड को दी गई पर्यावरण मंजूरी के संबंध में चर्चा के बीच स्थानीय निवासियों और कानून प्रबंधन कर्मियों के बीच झड़प के रूप में सामने आई। तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब उपस्थित लोगों की एक समूह ने सुनवाई में बाधा डालने की प्रयास किया, जिससे जनता और पुलिस के बीच अराजक झड़प हुई। व्यवस्था बहाल करने की प्रयासों में कानून प्रबंधन ने आंसू गैस की सहारा लिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई, जिससे स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश फैल गया। सार्वजनिक सुनवाई के उद्देश्य सामुदायिक इनपुट और चिंताओं के लिए एक मंच प्रदान करना था। तेजी से टकराव के दृश्य में बदल गया। नारपु के निवासी प्रस्तावित विस्तार पर स्पष्ट रूप से विभाजित है। उन्होंने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में अपनी शिकायतें और असहमति व्यक्त की।